अच्छा मालिकुम मुन्ने बोलो हेलो गाइस ना खेल खेलने भी लगे अच्छा बच्चा दादा बोले बोलो बोलो हेलो गाइस अच्छा भाई अच्छा दान गेम खेल रहा है खेलो ये अच्छा ये लो वहाँ खड़ोगे बोल मार नहीं अबे यार ये पकड़ो अब मारो इसको ऐसे नहीं फेंको ये लो बॉल पकड़ो इसके ऊपर यार अच्छा भाई अच्छा ये देखो अबू भी देख रहा है बोल अबू मैं दादा साथ खेल रहा हूँ चलो अच्छा खेलो अच्छा अबू भी देखेंगे अच्छा भाई ये किसका है यार ये कैसे लगेगा नू ये लाएंगे बड़े जी लेकर आई हैं केले और मौसमी और रूबा बना रही है हमारी चाय जलेबी खा तेरा दादा आज बाटी क्या आज मैं रात को बाटी है चाची की बाटी नहीं उसको दिल करता है बाटी ये मैंने क्या खाया है अच्छा ये देखना था अब्बू कह रहे हैं मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं अब्बू कह रहे हैं मैं क्या लेकर आऊं हैं अदान कंदी चीजें खाता है अम्मी को मिट्टी खाती है अच्छा आपके पापा भी तो खाते हैं पापा भी तो खाते हैं अम्मी काली बटन नहीं है, हाँ आप अब्बू को एयरपोर्ट लेने जाओगे क्या लेके जाओगे अब्बू के लिए चलो जाओ चल आके यहाँ देखो है मेरा बेड़ा ये अम्मी गली बत्ती है अल्लाह अदान ऐसे बोलते हैं ये बेड मेरा है अम्मी गली बत्ती है अदान भी तो गंदा बच्चा है ये देखो अदान कितना गंदा बच्चा है अम्मी गली बत्ती है पापा गंदा बच्चा है अम्मी अच्छी बत्ती है हम लोग दादा घर जाएंगे शाम को दादा घर मुन्ना देखो नहा धो के तैयार हुआ है बोलो मुन्ना जुम्मा मुबारक नहीं आपने बोला है यहाँ पे बोला है तो इधर भी बोल दो ना तो छिजा दे ना बोलो जुम्मा मुबारक अच्छा बोलो देखो मैं मुन्ना ना नहा धो के तैयार हुआ है मुन्ने ने ना रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं और ये ना अब्बू को बोलेगा जुम्मा मुबारक देखो अब्बू भी बोल रहे हैं देखो आपको अब्बू भी बोल रहे हैं जुम्मा मुबारक ये देखो जुम्मा मुबारक जोर से जुम्मा मुबारक हाँ अच्छा बोलो हेलो गाइस अच्छा मैं आपको उठा के दे रही हूँ ये लो बोलो हेलो गाइस बोलो लाइक कीजिए यहाँ पे किया है अच्छा मेरे को भी बोल दो ना बोलो लाइक करो सब्सक्राइब करो कैसे बोलते हाँ और बटन को दबाओ और अम्मी को लाइक करो हाँ अच्छे अच्छा अब शाम में दादा पास जाएंगे तो आप किस में जाओगे दादा के पास पहले बताओ किस में जाओगे हम लोग यहाँ से क्या रोकेंगे दाल हो गई है कंप्लीट अब इसे हम लगाएंगे बघार के लिए मुझे चाहिए है ये मेरे लिए है
अवीरा अवीरा कह रही हूँ लहसुन लहसुन को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हाँ इसी में मैं डाल दूंगी जीरा, थोड़ा सा जीरा चले भी, और इसी के साथ में डाल दूंगी मैं छोले में, ज़्यादा नहीं कम ही डालूंगी क्योंकि हमारा मतलब नजर का आता है तो ख़त्म हो जाएगी ना। थोड़ा ये ब्राउन हो जाता है तो फिर मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा हमने साबुत धनिया। किसकी कॉल है? ये डाल दिया मैंने इसके अंदर थोड़ा सा साबुत धनिया कूट के डाला है मैंने। इसका जो फ्लेवर है इसका अपने फ्लेवर होता है, आप लोग भी इसी तरह बघार लगाइएगा। तो ये कर दिया मैंने चूल्हा बंद। हेलो मिस्टर, हेलो माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ दाल के कौन टेस्टी कैसे बनी है हमारी दाल। इसमें थोड़ा सा मक्खन भी डाला है। हाँ अच्छा, चलो दाल हो गई हमारी कंप्लीट। अब हम आते हैं हमारे बंदे की तरफ। ओए जानू क्या कर रहे हो? जमीन पे कलर नहीं करो यार भाभी, वो देखो भाभी क्या हमने चढ़ाई है मूंग मसूर की दाल। मैंने इसमें पानी चढ़ा दिया, पानी डाल के मैंने मूंग मसूर की दाल धो के अच्छे से मैंने ये चढ़ा दी है और आधे घंटे के लिए मैंने इसे भिगो के रख दिया था। वैसे तो ये जल्दी बन जाती है। और इसमें डाला है मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर और कुछ डालूंगी मैं हरी मिर्चें। ये दाल मैं कई तरीक़ों से बनाती हूँ, अभी तो फिलहाल मैं सब कुछ डाल के चढ़ा दूँगी फिर एंड में इसको बघार लगाऊँगी। लाल मिर्च और जिसको कहते हैं दबड़ा लाल मिर्च इसमें जाएगी, ये हल्दी। दाल हमने कितनी ली थी? डेढ़ पाव। हाँ डेढ़ पाव के करीब हमारे पास दाल थी। अब इसमें जाएगा नमक जीरा है। हाँ इसमें जाएगा ये नमक, तेल जाएगा, कमी बेशी होगी तो मैं बाद में भी ऐड कर सकती हूँ। और जाएगा इसके अंदर थोड़ा सा ये जीरा, ठीक है, और जाएगा इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, मैं कर दूंगी मैं थोड़ा सा ये ऑयलेट, थोड़ा सा करूंगी ज्यादा नहीं। इसे मैंने हरी मिर्चें और कुटी मिर्च का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है तो इसके अंदर मैं किसी भी मिर्च में ज्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ी ही डालूंगी क्योंकि हमारी मिर्चों का इस्तेमाल कम होता है तो मैं कम ही यूज करूंगी। तो अब इसको मैं कर दूंगी बंद। इसको मैंने कवर कर दिया है ढक्कन लगा के, इसकी मैंने लीड लगा दी है।
इसको मैं कम से कम है 4 से 5 मिनट के लिए रखूंगी, क्योंकि मूंग मसूर की दाल है, ये जल्दी गल जाती है। और इसको मैंने पहले ऑलरेडी धो के मैंने भिगो के भी रख दिया था, तो ये हमारी जल्दी से गल जाएगी। उसके बाद का मैं प्रोसीजर आपको बताऊंगी कि इसके अंदर क्या डालना है, तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके अदान बोलो हेलो गाइस। अच्छा आपके हाथ छोटे हैं, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा दादू को बोलो दादू जल्दी से आ जाओ, बोलो दादू नशी अम्मा के पास आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। नहीं 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 दादू मेरे साथ खेलेंगे। अबू तो है ही नहीं, अबू तो है ही नहीं। इसकी नोदी, इसकी माँ ने नहला दी ना, उसकी नोदी निकल रही है। वो देखो कितनी नोदी निकल रही है, देखो नशी अम्मा अपने लपत्ते से साफ कर रही है। बोलो अबू आएंगे ना फिर खेलूंगी ना। चलो ठीक है, आप नहीं खेलोगे मेरे साथ। अच्छा बताओ दादू अच्छे हैं या नसी अम्मा अच्छी है? बोलो दादू भी अच्छे हैं दसी अम्मा भी अच्छी। बोलो दोनों दोनों अच्छे ना, बोलो नसी अम्मा आप भी अच्छी हो। हाँ नहीं बोलो, नहीं बोलो मेरे दिल ने बोला, बोलो मेरे दिल ने बोला है। किसने बोला बबू? दिल ने बोला। मजे वाला था, मैंने खा लिया, आपने खाना है? मजा आया था। आपने आपने देखा है? ये मम्मी दादी है। मम्मी दादी, मम्मी बाजी, ये भी खाओ ना। ये भी खाओ ना मम्मी दादी। छोटे हाथ हैं।